हाय फ्रेंड्स, आई एम भाग्यश्री एंड वेलकम टू कुक विद शगुन। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी शेप का ये केक, वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ही हम बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे हम बिना ओवन के केक बना रहे, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में नमक डाला है और उसको मैं प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी, तो ये हमारा ओवन तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ हम केक का बैटर तैयार करते हैं, तो यहाँ पे एक कप मैंने मैदा लिया है, आधा कप मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर लिया है। आप जो शक्कर होती है इसे आप मिक्सी में चला लीजिए तो वो पाउडर शुगर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाला है, आधी बड़ी चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और इन सबको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। हम जब भी केक बनाते हैं तो जो पूरे सामग्री होती है उसे छानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर एक छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने वाइट विनेगर आता है वो डाला है और एक चौथाई कप मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस भी डाला है जिससे स्ट्रॉबेरी का जो केक का फ्लेवर है वो आ जाएगा इसमें। और यहाँ पे एक कप पानी लिया है, पर हम पानी जितना हमें चाहिए उतना ही हम यहाँ पे लेंगे, तो एक यहाँ पे तीन चौथाई कप मैंने पानी का यूज़ किया है। तो पानी धीरे धीरे डालते जाइए और बैटर तैयार करते जाइए। यहाँ पे हमें बैटर को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है, तो हम इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। तो बस यही कंसिस्टेंसी वाला हमें बैटर चाहिए। दो ड्रॉप्स यहाँ पे मैंने रेड जेल कलर डाला है, आपके पास जो लिक्विड कलर आता हो वो हो तो वो आप डाल सकते हो, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी होती है वो लाल रंग की होती है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे कलर ऐड किया है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे तो हमारा जो केक का बैटर है वो भी रेडी है। यहाँ पे मैंने हार्ट शेप वाला केक टी लिया है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का हमें शेप देना है इसकी वजह से हमें ये केक टी चाहिए। तो इसको मैं बटर या ऑयल की मदद से भी आप इसे ग्रीस कर सकते हो। तो अच्छी तरह से मैंने केक टिन को ग्रीस कर लिया है, उसके बाद जो बैटर था केक का वो मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसको अच्छी तरह से हम टैप करेंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो अब हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है, तो उसके अंदर हम केक टिन रख देंगे और इसे हम 50 से 55 मिनट के लिए, या आपकी केक जब तक बेक ना हो तब तक आप इसे बेक करिए। सबसे पहले हम 15 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे, उसके बाद हम 40 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे। ये मिनिमम 50 55 या 60 मिनट के अंदर तो ये केक बेक हो जाती है, क्योंकि बिना ओवन के केक बना रहे तो थोड़ा ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। तो करीबन 55 मिनट के बाद मेरी केक पक चुकी थी, तो उसे मैंने निकाल लिया था और उसको पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो केक भी हमारी रूम टेम्परेचर पर आ गई है, अच्छी तरह से ये ठंडी हो चुकी है। तो उसके बाद हम इसका लेयर करेंगे केक का। तो यहाँ पे मैंने दो लेयर में केक को डिवाइड किया है, आप चाहो तो थ्री लेयर में भी इसे डिवाइड कर सकते हो। तो बढ़िया से सॉफ्ट सी केक बनी है और एकदम अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने केक के ऊपर फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर मैंने शुगर सिरप अप्लाई किया है, ये केक को थोड़ा और मॉइस्ट बनाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने शुगर सिरप अप्लाई की है। उसके ऊपर यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम अप्लाई की है, जो व्हिपिंग क्रीम आती है उसे हम बीट कर लेंगे, बस वही व्हिप क्रीम हमारी रेडी हो जाती है। आप व्हिप क्रीम के अंदर जो स्ट्रॉबेरी क्रश आता है या स्ट्रॉबेरी एसेंस भी आता है वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, पर यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे शुगर सिरप अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद मैंने व्हिप क्रीम से केक को फर्स्ट लेयर को कवर किया है। व्हिप क्रीम के ऊपर मैंने यहाँ पे दो चम्मच जितना स्ट्रॉबेरी क्रश डाला है और उसको भी हम अच्छी तरह से क्रीम के ऊपर फैला लेंगे। इससे क्या होगा कि केक का बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। उसके बाद जो केक का सेकंड लेयर है उसे भी हम यहाँ पे रख देंगे, पर हम जो सेकंड लेयर है उसको भी शुगर सिरप से अच्छी तरह से मॉइस्ट करेंगे। उसके बाद ये लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर हम रख देंगे और अब हम पूरी केक को व्हिप क्रीम से कवर करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी शेप इसे देंगे अच्छी तरह से। तो व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरह से आप यहाँ पे कवर कर लीजिए। अगर आपको देखना है कि व्हिप क्रीम को कैसे बीट किया जाता है तो उसका फुल डिटेल्स वीडियो मेरी चैनल पे है, जहाँ पे मैंने फूड प्रोसेसर और जो इलेक्ट्रिक बीटर आता है दोनों की मदद से मैंने केक को बीट किया है। तो उसका फुल डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप ज़रूर इसे जाके चेक करिएगा। और बहुत सारे केक की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, वो भी बिना ओवन और बिना एग्स के, तो आप वो भी चेक कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम की मदद से अच्छी तरह से केक को कवर कर लिया है। तो अब हम स्ट्रॉबेरी शेप देंगे केक को। तो यहाँ पे मैंने स्क्रैपर का यूज़ नहीं किया है, एक फाइल का टुकड़ा लिया है, उसके मदद से ही हम यहाँ पे शेप देंगे केक को। तो आप देख सकते हो वीडियो में मैं किस तरह से शेप दे रही हूँ, आप उसी तरह से शेप देना, और इससे बहुत अच्छा फिनिशिंग भी केक का आता है। अब हम इस केक को हम 10 मिनट के लिए फ्रीज में छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो ये क्रीम है अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बाउल ली है, उसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच न्यूट्रल जेल आता है वो डाला है, और 2 बड़े चम्मच डालने के बाद यहाँ पे रेड फूड कलर भी मैंने डाला है, थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स डाला है। इससे क्या होगा कि जो ऊपर केक के ऊपर हम जो ग्लेज आने वाला है स्ट्रॉबेरी का, वो इससे न्यूट्रल जेल की मदद से ही आएगा। उसके बाद 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे न्यूट्रल जेल डाला है, तो उसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच पानी डालूँगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने एक ग्लास में पाइपिंग बैग रखा है और उसको पाइपिंग बैग में भर लिया है अच्छी तरह से। बस 10 मिनट के बाद केक को मैंने फ्रिज में से निकाल दिया है। उसके बाद जो ये जेल है ग्लेस हम इसके ऊपर डालेंगे, इस तरह से हम इसे डालेंगे ऊपर से, और जो स्पैचुला या तो जो पैलेट नाइफ है उसकी मदद से अच्छी तरह से हम इसे फैला देंगे। जो ये न्यूट्रल जेल है वो मीठी आती है, तो इसके अंदर हमें शुगर कुछ ऐड नहीं करना होता है, इसका टेस्ट भी एकदम मीठा ही होता है, तो हमें शुगर भी इसमें ऐड नहीं करनी है। बस इसी तरह से हम इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से फैलाएंगे, वरना क्या होगा कि जो ये जो ग्लेज है जेल है वो और जो व्हिपिंग क्रीम है वो मिक्स हो जाएगी। तो हमें एकदम हल्के हल्के हाथों से ही इसे स्प्रेड करना है पूरी केक के ऊपर।